सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं आ गई थी यहाँ सुबह 11 बजे अपने मायके से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो आज अभी से फिर मैं कर रही हूँ दूसरी वीडियो तैयार, और मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के फ्रेंड से मिलने, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उसको हमने बताया नहीं है। उसको देंगे हम सरप्राइज, हम सबको सरप्राइज ही देते हैं सबको सरप्राइज देते हैं हम। तो मैं जा रही हूँ फिलहाल अपनी दीदी के संग, तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। और अब आ गए हम अपनी फ्रेंड के घर में नकरोंदा। तो शायद ये है सामने उनका घर, और उसको है शुगर, तो हम क्या ला रखे हैं, करेले ही ये कसीटी लगनी जेग लगनी वेल मीठा तो लाए। ये क्या हाल हुआ से मरी जगह तन परत मिला फोड़ो मिला फोड़ो एक साइज का छो अमा अंदर ही तिखर करेला हिरन का बच्चा लग रहा है, गाय का कम लग रहा है। हो गया अंधेरा, 6 बज गए शाम के, और हम लोग जा रहे हैं घर। ये क्यों आ रही होगी सीमा? सीमा तो बिगड़े रह ले, पोड़ जा। ए ए सीमा त्या खुद दर्द हूँ, पोड़ जा। आप वाला चश्मा दिया कौन आ जाओ सीमा जा ले तो बाहर सीमा अब ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिलहाल अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल। और हम जा रहे हैं, आज हम तैयार हो रखे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी की बेटी के ससुराल। फिलहाल शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो ख्याल रखिए मेरी वीडियो का, और बने रहे मेरी वीडियो में। आ जाएंगे हम जिप्सी में, जिप्सी के तो हो रखे बुरे हाल, पर फिलहाल अभी ली तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कराएंगे मैकेनिक को दिखा के। तो फिलहाल अभी बने रहिए आप मेरी वीडियो में, तो चलते हैं हम लोग। रास्ते में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, वो है झांझरा की और जिधर बालाजी मंदिर है, तो हम जाएंगे कुछ उस और, तो वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते रहेंगे। और ये लोग हनी सिंह तो बैठ गया सबसे पहले। ये ओहो हनी कैसा लग रहा, कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा? अब हमारा सफर शुरू झांझरा। ये तो गाड़ी बंद हो गया, अभी आ रहे हैं चिज्जी लेके। ये अभी कुछ देर हम लोग रुक रखे थे, कुछ काम था हमारा दुकान में, तो अब हम निकल गए हैं मियाँ वाले से। मैं अपने बेटे से दूसरी गाड़ी लूंगी और इसे उसे दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमें जिप्सी में, ओपन जिप्सी में अच्छा लगता है। आगे मियाँ वाले में और नहीं छोड़ देंगे, ये मेरा बेटा ले जाएगा, ये शायद कुछ बोलना चाह रहा है। और गाड़ी हमारी इधर हो गया, ये गाड़ी और हम लोग बैठ गए दूसरी गाड़ी में और जा रहे हैं आगे की, और आगे का सफर तय करेंगे यहाँ से। कि बांदर भगा रही है यार स्वर्णिमा रावत। बहुत चले हो तुम, बहुत
अबे कोला आ गया। एक वीडियो नहीं रहे। आ गया स्वर्णिमा रावत का घर और हम लोग ये नमस्ते खुश रहो कुड़िया। गाड़ी इधर खड़ी करके और यह है स्वर्णिमा रावत का घर। लोगों की खाने की तैयारी हो गई है। ये देखो सोने हमारे काम कर रही है आज आज इनके सुनहरे दिन आ रहे हैं। सोना कुछ बोले क्या बनी चाहिए? आज इनका सुनहरा दिन आ रहा है, मैं सर्व कर रही हूं। अच्छा दो चम्मच दे दो स्पून। यहां हम लोगों का खाना पीना होने के बाद हम लोग बैठ रखे हैं यहाँ पे। देखना सही कम यार अंदर लड़ा पचाना पा लेगी ना बात पचा की तो नहीं रखो फैले जा रहे तो कुकुन होते था खा रहा। हम तो खा पी के हूँ यार चोई हैं। लोगों की हो गई घर जाने की तैयारी। शाम के बज गए 5 नहीं 4:30 और हम जा रहे हैं अभी पहले अपनी दीदी के घर। थोड़े से आगे है तो वहाँ जाते हैं और आ जाओ आ जाओ। तूने बनाई आजकल स्वर्णिमा रावत और आजो सोना वहाँ क्या है झाड़ी में आजा। चलो ठीक है फिर चलो ये जगह बहुत प्यारी है ठीक है। जी किस वाले कट से ऊपर ले लोगे? फाइनली हम पहुंच गए अपने दीदी के घर और यहाँ सूरज भी डूबने लग गया है और यहाँ देखो कर मिलान हो। ये देखो मौसी को कैसे प्यार कर रहे हैं। मौसी को प्यार कर रहे हो यहाँ देखो क्या प्यार हो रहा है यहाँ। बच 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 और इधर है मेरी दीदी की क्यारियाँ। ये है मेरी दीदी की क्यारियाँ यहाँ से ये एक बात लोग रात छीमी की बेल यहाँ भी यहाँ देखो कितने ये छीमी लग रखी है। देखो कितने बड़े पेड़ जा रखे बेल बाबा कितनी खतरनाक बेल हो रखी है। ये सारी सेम की बेल है। आज है मेरा वीडियो का दूसरा दिन और मैं आज आ गई हूँ क्यारी में। इन्होंने मेरा क्यारी का मार दिया नाश और मैं अभी कर रही हूँ लहसुन की निलाई। कुछ इतनी तो हो गई है। ये देखो क्या हाल हो रखे मेरे लहसुन के। उधर की क्यारी के भी नाश कर दिया इन्होंने और उधर अदरक भी सूखने लगी है और इधर देखो टमाटर कितने बड़े पेड़ हो गए मेरे इनमें लगने लगे टमाटर। और ये है मेरा बैंगन का पेड़ और यहाँ लगाए थे मैंने शिमला मिर्ची। तो ये देखो मेरा कितना एक शिमला मिर्ची हो रखी पेड़ में। ओहो ये क्या हरा है हरा पत्ता। ये है एक शिमला मिर्ची वो भी जड़ में लग रखी है। तो यहाँ पे दो पेड़ है शिमला मिर्ची के, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ सफाई करूँगी मैं इनको सारा कूड़ा। और इसके बाद उधर है मेरे शिमला मिर्ची के पेड़ और फिलहाल करती हूँ मैं यहाँ सफाई। थोड़ी देर में आप लोगों से मुलाकात करूँगी तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं क्यारी से आई लंच करने और उसके बाद बैठ गई हूँ इनके संग गप्पे लगाने में। ये देखो ये है कामचोर बेटी मेरी और ये पैकिंग होगी मेरी दीदी की वहाँ जाने की। 5 फोटो है इसमें और ये पैकिंग करी है मेरे हस्बैंड ने डीएस नेगी। पैकिंग फ्री हुई है बाकी जो करवाएगा उसे पैसे। अच्छा हाँ यहाँ तो फ्री में क्योंकि यहाँ बुकिंग थी ना हमारी। इधर देख के कुछ कहिए आप। पर ये बस समझना कि हम सबकी पैकिंग करके देते हैं। हम सिर्फ अपनों की पैकिंग।
सही बात है। कहीं पता चला और इसके संग संग इसके संग संग ये लड़की गिफ्ट भेज रहे हम दिल्ली, ये सामान लेके जाएगी। देख अभी मेरी दीदी हो रही है घर जाने की तैयारी, पहले जाएगी डिफेंस कॉलोनी, उसके बाद दिल्ली दिल्ली की क्या बटान था मैं सुबह 10 बजे वाली गाड़ी से। तो चलिए फिर करते हैं अभी दीदी लोगों की जाने की तैयारी। आप कुछ नहीं कहना चाह रहा ये नोट निकाल दूं विदाई के। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। आप कर रहे हो राम राम, मैं थोड़ी कर रही, मेरी तो भी वीडियो बनेगी। और आप कुछ कहना चाह रहे हो वहाँ चलने की, अपनी खुशी जाहिर करो। आप छुट्टी दे, रात के बज रहे 8:30 और हम लोग आ गए हैं अपने किचन में, आजकल सर्दियों का किचन। हम सब बैठ रखे हैं यहाँ पे और चूल्हा दिखाती हूँ आप लोगों को। इधर है चूल्हा जल रहा है बाबू का, और इधर छोटे चूल्हे में रख रखा हमने सब्जी, हरी सब्जी वो भी बनती है बन गई वो। तो इसमें बनाएंगे हम चूने की रोटी, चूना मतलब मंडवे की रोटी और हरी सब्जी। तो जब बनाएंगे तो आप लोग इसे भी शेयर करेंगे, बने रहे मेरी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे मेरी वीडियो में। अभी हम बनाएंगे मंडवा की रोटी। जाना साथ।